दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार की रात एक ओयो होटल में महिला और एक पुरुष का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार होटल की तीसरी मंजिल से रात करीब 8 बजे दोनों का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के अनुसार दोनों दोपहर 1 बजे होटल में चेक इन किया था। डीसीपी ने बताया है कि मृतक की पहचान यूपी के मेरठ निवासी 28 वर्षीय सोहराब और दिल्ली से सटे यूपी के लोन निवासी 27 वर्षीय आयशा के रूप में हुई है। घटना स्थल से क्राइम और एफएसएल की टीम ने मौके से निरीक्षण कराया गया है और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। महिला शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे हैं। महिला का पति व्यापारी है। मामले को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश के साथ ही आगे की जांच की जा रही है। हाँ सर, ओयो होटल के अंदर आज एक सूचना मिली है कि प्रेमी और प्रेमिका यहाँ पहुँचे थे, जिसने प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार दिया, तो क्या था प्रॉब्लम? देखिए, अभी शुरुआत में जितना हम लोगों ने देखा है, ये 8 बजे के आसपास ही 8:05 पे इतला आई थी और कमरा खोला गया था पुलिस के प्रेजेंस में ही, क्योंकि ये कमरा इन्होंने बुक किया आज 1 बजे। तो दोनों ने अपनी अपनी आईडी दी है और साथ में दोनों आए हैं, और जो अभी रिसेप्शन स्टाफ से हमने बात किया तो वो भी बताते हैं कि आराम से वो लोग आए और उन्होंने कमरा बुक किया 3री मंजिल पे। 4 घंटे के लिए उन्होंने कमरा बुक किया था। जब वो नीचे नहीं आए तो 7:45 के आसपास स्टाफ ने ऊपर जाके दरवाज़ा खटखटाया। जब नहीं खुला तो उनको शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर किया, तो हमारा बीट कांस्टेबल साथ में था। दरवाज़ा खोला तो देखा वो लड़का पंखे से लटका हुआ है और लड़की बिस्तर पे लेटी हुई थी। सर की पहचान हो पाई है? लेटी हुई थी। तो तुरंत फिर हम लोग सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे आए, तो जो लड़का है उसकी पहचान सोहराब नाम से हुई है, जो उन्होंने अपना आईडी कार्ड और जो अपना आधार कार्ड यहाँ पे दिया था। सोहराब है, उम्र 28 साल है, मेरठ का रहने वाला है, और जो लेडी है उसका नाम आयशा है, 27 साल उम्र उसमें लिखा हुआ है और लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाली है। और बॉडी में कोई चोट का निशान उस तरह से नहीं है। लड़का तो खैर अभी लिगेचर से लटका ही हुआ है और लेडी जो बिस्तर पर लेटी है उसके गले पर कुछ निशान नज़र आते हैं। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, हाथ में चूड़ियाँ हैं, कुछ टूटा नहीं है, कोई कपड़े अस्त व्यस्त नहीं है, कमरे में भी कुछ इस तरह का नहीं है कि कोई स्ट्रगल हुआ है। बगल में एक आधे पेज का हिंदी में सुसाइड नोट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग साथ में अपनी जान दे रहे हैं। तो अभी हमारा इमिडिएटली ये था कि FSL और क्राइम टीम को हमने बुला लिया है, सारे मौका मुआयना होगा। कल सवेरे सवेरे इसका पोस्टमार्टम कराते हैं, पोस्टमार्टम में कुछ निकल के आएगा तो आगे की कार्रवाई। हाँ सर, ये जो लड़की है शादी से पहले एक दूसरे से प्रेम करते थे या ये शादी के बाद? देखिए, दिस इज टू अर्ली, अभी इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। जो लेडी है उनके हस्बैंड आ गए हैं, वो बिजनेसमैन है, जिम सप्लीमेंट जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसका काम करते हैं, तो उनको भी इसके बारे में बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था, वो भी थोड़े से शौक में है। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, अभी इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है उनके, और अभी पूछताछ कर रहे हैं। इनिशियल समय है, अभी हम लोग इसकी गहराई तक जाएंगे। सर, ओयो के स्टाफ ने क्या बताया ऐसा कि पहले भी ये लोग यहाँ पहुँचे हैं या पहली बार ऐसा यहाँ पहुँचे? नहीं, ओयो के स्टाफ से अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि आज 1 बजे के आसपास इन्होंने चेक इन किया था, दोनों खुश थे और दोनों ने कमरा लिया और कमरे में चले गए। उसके बाद जब उनको नीचे आना चाहिए था तो नहीं पहुँचे, तो स्टाफ को थोड़ा शक हुआ। टाइमिंग क्या रही हुई इनके आने की जाने की? मैंने बताया 1 बजे उन्होंने कमरा बुक किया था, 4 घंटे के लिए बुक किया था, फिर भी जब नहीं उतरे तो 7:45 के आसपास दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला तो पुलिस को बुलाया, पुलिस के सामने दरवाज़ा खोला गया और दोनों डेड बॉडी। ठीक है सर, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।